तो हम लोग इस वीडियो में आरजीबी एलईडी को आर्डिनो की मदद से कैसे जलाएंगे ये बताएंगे। तो आरजीबी एलईडी होता क्या है? तो आरजीबी एलईडी एक लाइट इमिटिंग डायोड है जो कि डिफरेंट कलर को डिस्प्ले कर सकता है जो हम लोग चाहते हैं। इसमें तीन प्रकार के कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो कि एक ही सिंगल पैकेज में आते हैं, जिसको हम लोग आरजीबी एलईडी कहते हैं। तो हम इन तीनों कलर को अगर कंबाइन कर देंगे तो हम लोग कोई भी कलर बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये तीनों कलर ही प्राइमरी कलर होते हैं और इन तीनों कलर से ही हर कलर को बनाया जा सकता है। हम लोग यहाँ एक रेसिस्टर यूज़ करते हैं। अगर हम लोग रेसिस्टर नहीं यूज़ करेंगे या फिर बहुत कम वैल्यू ऑफ रेसिस्टर का यूज़ करेंगे तो होगा ये कि एलईडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 330 ओम का रेसिस्टर यूज़ किए हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग आरजीबी सर्च करेंगे तो यहाँ से ये एलईडी हम लोगों को मिलेगा। यहाँ पे आपको रेसिस्टर मिलेगा, ये आर्डिनो है। यहाँ से आप अगर सर्च करोगे तो यहाँ पे ये आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये होता है आपका टर्मिनल रेड, ये है ग्राउंड, ये है ब्लू और ये होता है ग्रीन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रेड को कनेक्ट करते हैं 9 से। क्योंकि ये रेड है तो इसको ज़्यादा इजीली होगा देखने में, इसलिए मैं इसको रेड कर देती हूँ। ये कैथोड है, इसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट करूँगी। इसको ग्रीन रहने देते हैं, नहीं इसको ब्लैक कर देते हैं। ओके, ये ब्लू है, इसको हम पिन नंबर 10 में ऐड करेंगे। इसको ब्लू कर देते हैं। ये ग्रीन टर्मिनल है, इसको हम लोग पिन नंबर 11 पे ऐड करेंगे। इसको ग्रीन ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका कनेक्शन, ठीक है। इसको मैंने एक पिन पे कनेक्ट किया 9 नंबर पे, इसको मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट किया, इसको मैंने 11 पे कनेक्ट किया और इसको मैंने 10 पे कनेक्ट किया। आइए कोड समझते हैं, कोड कैसे करते हैं आरजीबी एलईडी का। ओके, तो देखिए मैंने पहले से कोड करके रखा है ताकि ज़्यादा वक्त ना लूँ आप लोगों का। यहाँ पे रेड पिन को मैंने 9 नंबर दिया है, ग्रीन को 11, ब्लू को 10। ये इसका कोड बहुत ही सिंपल होते हैं। तो पहले हम लोग दो लूप बनाते हैं, वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप। यहाँ पे पिन मोड रेड पिन पे आउटपुट, ग्रीन पे, ब्लू पे, सब पे आउटपुट देंगे। अब डिजिटल राइट का यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को आउटपुट प्रोवाइड करना है। तो रेड पिन पहले हम लोग हाई करेंगे, उसके बाद हम लोग डिले प्रोवाइड करेंगे 1000, डेट इज़ 1 सेकेंड का। उसके बाद हम लोग बाकी ग्रीन और ग्रीन को रेड को फिर हम लोग लो करेंगे, देन ग्रीन को हाई, देन ब्लू को लो एंड सो ऑन, ऐसे करेंगे। तो एट ए टाइम एक एक बार करके, एक बार रेड, एक बार ब्लू, एक बार ग्रीन, ऐसे ये एलईडी जलना शुरू हो जाएगा। आइए हम देखते हैं ये कैसे काम करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक बार रेड जल रहा है, फिर एक सेकेंड के बाद ग्रीन जल रहा है, फिर एक सेकेंड के बाद ब्लू जल रहा है। तो ये हो गए कि आरजीबी एलईडी को सिंपल कैसे हम लोग आर्डिनो के थ्रू कनेक्ट करके कैसे हम लोग इसको जला सकते हैं।
अब हम जानते हैं कि अगर हम मिक्स करेंगे डिफरेंट कलर्स को तो वो कैसे जलेंगे, कंबाइन करके कलर को हम लोग इसको कैसे जलाएंगे। तो आइए हम उसके भी कोड को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कंबाइन कलर कैसे जलाते हैं इसको समझने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं कि ये होते क्या है। ओके, तो देख रहे हैं आप, ये रेड ग्रीन ब्लू, तो इसका रेंज सेट होता है 0 से लेकर 255 तक। ठीक है, तो अगर हम लोगों को इसको कंबाइन करना होता है तो अगर ग्रीन और रेड को कंबाइन करना है तो इसका वैल्यू रेंज हम लोग 255 और इसका 255 सेट करेंगे, और ब्लू का वैल्यू रेंज हम लोग 0 सेट करेंगे। उसी तरह अगर हम लोगों को रेड और ब्लू को कंबाइन करना है और ग्रीन को नहीं करना है तो रेड और ब्लू के वैल्यू को 255 सेट करेंगे और ग्रीन के वैल्यू को 0 सेट करेंगे तो हम लोगों को मैग्नेटा कलर मिलेगा। इसी तरह रेड और ग्रीन कंबाइन करने से हम लोगों को येलो कलर मिलेंगे, और उसी तरह जब ग्रीन और ब्लू को कंबाइन करेंगे, जब इसके वैल्यू को हम लोग सेट करेंगे 255 पे और रेड के वैल्यू को 0 पे, तब हम लोग को कैनन कलर मिलेगा। और जब हम लोग इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो वाइट मिलेगा, यानी तीनों के वैल्यू को अगर हम 255 सेट कर देंगे तो वाइट कलर मिलेगा, और अगर तीनों के वैल्यू को 0 सेट कर देंगे तो हम लोगों को ब्लैक कलर मिलेगा। तो ये था इसका RGB LED का कलर थ्योरी। ओके, अब हम लोग कोड के बारे में देखते हैं, कोड कैसे काम करते हैं। तो इसके भी कोड मैंने पहले से लिख रखी हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर के सारे कोड सेम हैं, बस इन सारे कोड को मैंने स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया है ताकि ज़्यादा वक्त ना लूँ आप लोगों का। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर के रेंज को सेट किया है। यहाँ पे मैंने रेड और ग्रीन को सेट किया और ब्लू को 0 किया, यानी ये येलो दे रहा है। फिर डिले मैंने ऐसे किया एंड सो ऑन, जैसा मैंने पहले बताया। और फिर मैंने यहाँ पे एक वर्ड चलाया जिस पे मैंने एनालॉग राइट का यूज़ किया हूँ। हमने यहाँ पे एनालॉग राइट के फंक्शन को इसलिए कॉल किए हैं क्योंकि ये जो है हर एक LED के ब्राइटनेस को सेट करेगा। तो इस तरह से हमने इसका कोड किया है। आइए इस कोड को इनिशियलाइज करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने रेड और ग्रीन को बनाकर येलो बनाया, फिर रेड और ब्लू को मिलाकर मैग्नेटा बनाया, फिर ब्लू और ग्रीन को मिलाकर कैनन बनाया। अगर मैंने सारे को 255 पे सेट किया तो वाइट बन गए, और सारे को 0 पे सेट किया तो ब्लैक बन गए, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक नहीं शो कर रहे इसीलिए वो नॉर्मल LED जैसा दिख रहे हैं। तो ये सारे कंसेप्ट थे RGB LED लाइट के बारे में, जो हम लोग ऑडिनो का यूज़ करके ऐसे हम लोग इसको जला सकते हैं। धन्यवाद।